हाँ जी दोस्तों, तो कुछ सुनने और सुनाने से पहले ये जो आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये है दामोदर नदी, जो कि हम ऊपर इसके बाइक चला रहे हैं, मतलब बाइक नहीं स्कूटर चला रहे हैं। मैं हूँ और मेरे एक दोस्त वाहिद है, वो है साथ में। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलते हैं पंचकोट और पंचित डैम। तो पंचकोट में कुछ ज़्यादा मिला नहीं, इस टाइप का पहाड़ ऐसा था दिखने से, और टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े रास्ते जो कि हमारे इधर ऐसे अवेलेबल है एनी टाइम पहाड़ जा। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं पंचकोट, ये है पंचकोट। यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास मुझे दिखने को मिला नहीं, बस एक ये छोटा सा प्राचीन मंदिर था जो कि हम लोग हल्का सा इसके पास रुके और यहाँ से निकलते बने, जो कि आप देख सकते हो ये है पंचकोट। और यहाँ पे एक रिसोर्ट भी है, वो आगे चल के आपको दिखेगा। तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मोहम्मद मासूम गानत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फुकरे ब्लॉग्स। तो पिछले बहुत दिनों से, मतलब एक महीने से मैं गायब हूँ और मैं आया हूँ आसनसोल दिसरगढ़। तो यहाँ पे एक पंचकोट और पंचित नाम का एक जगह है जो कि डैम है, तो आए हैं वहाँ को विजिट करने के लिए। क्यों ना चलो आए हैं विजिट करने, तो एक ब्लॉग बना ही लिया जाए। मेरे इस वीडियो पर बने रहना, और अभी तक चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर ही देना। और आपको दिखलाते हैं आगे का नज़ारा कैसा है। और मेरे साथ आए हैं मेरे एक फ्रेंड यहाँ के वाहिद, मैं उनसे मिला देता हूँ। ये रहे वो शख्स वाहिद से, हाँ तो ये है वाहिद। और जल्दबाजी में हम लोगों ने हायाबुसा का हायर कर लिया, ये उनका हायाबुसा है LML भाजपा। तो हम लोग बोले कि क्यों ना आज इसी से मज़ा किया जाए, तो बस बने रहो। जंगलों में घूमते घूमते हमें मिला आगे चल के एक रिसोर्ट, जो कि काफ़ी तगड़ा रिसोर्ट था, जो कि हम लोग अंदर गए नहीं, बस बाहर से ही है देखें। तो ये रहा वो रिसोर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में एकदम। और हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, ये जो ब्रेकर देख रहे हो काफ़ी स्ट्रिक्ट इलाका है ये, जो कि डैम के ऊपर ही बना हुआ है। और हम लोग पहुंच गए हैं पंचित डैम, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डैम है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डैम के ऊपर नहीं जाएंगे, उसके नीचे से जाएंगे, मीन साइड से उसका नज़ारा का व्यू पॉइंट लेंगे। तो हम लोग नीचे निकल जाते हैं, नीचे से देखते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पर बने रहना।
हम लोग पंचित डैम पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया है 6:15, काफ़ी लेट हो गए हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, आए हैं तो मजाक कर ही लिया जाए, एंजॉय कर ही लिया जाए। कुछ बी रोल वगैरह मैं डाल देता हूँ, आप लोग देख लो। तो फाइनली पंचित डैम पहुंच गए हैं और सबसे खुशी की बात मेरे लिए यही रहा कि आज डैम का जो है ना, मतलब वो जो फाटक बोलते गेट, वो खुला हुआ है और आपको अभी हम दिखलाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा, काफ़ी ऑसम है। बाबा वाहिद, मतलब अंधेरा हो जाएगा। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नीचे से, मतलब नीचे से डैम के करीब से जाके देखा जाए। ऊपर से तो हर लोग देखते हैं, हर लोग दिखलाते होंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि नीचे से, लेकिन थैंक्स वाहिद कि उसने मुझे इधर नीचे तरफ से लेके आए डैम के पास एकदम करीब, और काफ़ी ज़्यादा औसम दिख रहा है यहाँ का डैम। और मुझे तो मतलब कि मैं सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, थोड़ा सा मैं उदास हो गया था, लेकिन इसको देखने के बाद ना मतलब पूरा हैप्पी मोमेंट हो गया। देखो देखो ये देखो, आओ काफ़ी ज़्यादा गर्मी और अंधेरा भी हो चुका है, टाइम हो रहा है 7:10, तो हम लोग सोच रहे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए क्योंकि घर भी जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो क्या करना है, एक लाइक कर देना है। अगर इस चैनल पे नए आए हो, अगर इस चैनल को नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर ड्रीम, लिव योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जियो और जीने दो, खुदा हाफिज़।